सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मैंने प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत है लिटरेरी मैंने साहित्यिक और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। अब लिटरेरी में भी तीन प्रकार के स्रोत हैं। पहला जो है वो पूरी तरह से धार्मिक है, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। दूसरा जो है वो सेकुलर है, माने उनका रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है, धर्म से कोई वास्ता नहीं है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी यात्री अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण के बाद से ही हिंदुस्तान में आए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो 326 बीसी में हुआ था, 326 बीसी में हिंदुस्तान में। और उन्होंने पोरस को, मैंने जो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो राजा थे पोरस, उसको हराया था। लेकिन वो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे और उसके बारे में भी बाद में बताएंगे। और दूसरा जो स्रोत है आर्कियोलॉजिकल, उसके भी दो तीन भाग हैं। पहला है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में आएगा टेम्पल, आएगा माउंट्स, आएगा जो पुराने जमाने के जो भग्नावशेष हैं वो आएंगे। और बहुत सारे जो डेब्रीज हैं जो जमीन के अंदर दफन हैं, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सकैवेट करके मैंने खुदाई करके बाहर निकाला है, उसके बारे में बताएंगे आपको। और आर्कियोलॉजी में ही दूसरा भाग है इंस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख। पुराने जमाने में राजा कॉपर प्लेट पर अभिलेख लिखवाते थे, अपना स्तुति गान करते थे, राज्य की व्यवस्था के बारे में लिखा जाता था। अगर किसी को उन्होंने लैंड ग्रांट दिया है तो कॉपर प्लेट में उसका उल्लेख होता था। और जैसे कि आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस पर अपने स्टेट क्राफ्ट के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा है। और तीसरा है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब साइंस ऑफ क्वाइन। सिक्कों का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं।